वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फिनिटी मेकअप बाय आहेस और मैं मेहू स्नेहा सो यस आज मैं आप लोगों से वेल well, आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ ये ब्यूटीफुल सा मेकअप लुक सो uh, so, इस लुक को मैंने एक ऑलिव uh, और ब्लैक कलर के साथ कॉम्बिनेशन करके की हूँ बहुत ही एलिगेंट है एंड ये मेकअप लुक मैं पहले कभी भी नहीं देखी हूँ एंड खुद भी इस टाइप के कलर से प्ले नहीं की हूँ सो so, बहुत ही मतलब अमेजिंग सा एक्सपेरिमेंट था जो कि बहुत ही अच्छा हो गया मुझे भी खुद भी नहीं लगा था कि इतना अच्छे से आउट होगा सो येस मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगी चलते मेरे वीडियो पे एंड मेकअप पे सो येस वीडियो को बिना एंड तक जरूर देखें से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हो तो डेफिनेटली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए एंड उसके नीचे जो बेल बटन है उसको भी जरूर हिट कर दीजिए ताकि मेरे जितने भी वीडियोज आए उसका अपडेट आप आपको सबसे पहले मिल सके सो ये सो गाइज मैं अपना सिर्फ क्रीज को अच्छे से सही कर रही हूँ वो क्रीज पर गया था मेरे पे तो उसको क्लीन करने के बाद मैं अपने आई पे चली जाऊँगी एंड आई शेडो पे जाने जाने के बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ एक मॉफ और पिंक टोन का एक आई शेडो कलर उससे आप देख सकते हो पूरा मैं वी शेप का एक आई शेडो क्रिएट कर रही हूँ सिर्फ अपने आउटर <coughs> सॉरी वी पे फोकस करते हुए एंड उसको अंदर की तरफ ब्लेंडिंग कर रही हूँ बहुत ही अच्छे से ब्लैंडिंग करना है आपको एंड आप जैसे चाहते हो आपके डिज़ायरेबल कलर जब तक आपको नहीं मिल जाता है तब तक आपको कलर बिल्ड करते रहना है एंड अच्छे से करते रहना है शेप आपको वी टाइप का ही चाहिए उसके बाद अंदर का जो पो, जो पोर्शन है उसको मैं कंसीलर की मदद से कट बोल सकती हो और क्लीन बोल सकते हो वैसे कर रही हूँ मैं ताकि मुझे बाद में आई अप्लाई करने के लिए एक क्लीन कैनवास मिल जाए तो मैं इसको अच्छे से फिर से ब्लेंड कर रही हूँ ताकि कंसीलर की वजह से थोड़ा सा इधर उधर हो गया था तो मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर उसके बाद में एक ब्लैक कलर का आई शेडो लेके उसको अच्छे से उसी के ऊपर ब्लेंड कर रही हूँ वी शेप मेंटेन करते हुए हमें बहुत ही अच्छे से इसको ध्यान रख के ब्लेंडिंग करना है मैं ब्रश चेंज नहीं की हो आप देख सकते हो एंड मैं थोड़ा सा और कलर बिल्डअप करूँगी ब्लैक कलर का ही क्योंकि हमें ब्लैक और ऑलिव को ज़्यादा फोकस में रखना है एंड जो मॉफ कलर है उसको ट्रांजिशन काइंड ऑफ हमें चाहिए तो उसको अच्छे से मैं ब्लेंड कर लूँगी उसके बाद जो अंदर का प्लेस मैंने क्लीन करके रखी थी वहाँ पे मैं एक ऑलिव ग्रीन कलर के एक ब्यूटीफुल से शेड देके मैं ये वहाँ पे स्प्रेड कर रही हूँ तो देन मैं लोअर लैश लाइन पे सेम ऑलिव ग्रीन और थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि मैं अगर ब्लू कलर लूँगी तो डिफरेंट थोड़ा सा लगेगा तो यस मैं ब्लू एंड ऑलिव ग्रीन को लेके मैं अच्छे से अपने लोअर लैश लाइन पे उसको ब्लेंड कर रही हूँ एंड अगर आप लोग मेरा बेस मेकअप देखना चाहते हो तो मेरे प्रीवियस वीडियो पर देख सकते हो इन डिटेल्स मैंने शेयर किया हुआ है उसके बाद में यहाँ पे एन वाई बी का ग्रीन कलर का लाइनर अप्लाई कर रही हूँ जो कि बहुत ही अच्छा है फिलहाल ये थोड़ा सा ड्राई हो चुका है बट ऐसा नहीं कि फ्लेकी है थोड़ा सा थिक कंसिस्टेंसी में आ गया है बट अमेजिंग एक लाइनर है इसका टिप भी बहुत फाइन है आप देख सकते हो ईजिली विंग लाइनर क्रिएट कर सकते हो देन मैं अपना जो लैश है उसको कर्ल कर लूँगी एंड देन मैं अपने लिप में मूव ऑन करूँगी लिप के लिए मैं यहाँ पे ली हूँ मेरा टोस्टेड ब्राउन फेवरेट एक न्यूट शेड उसको अप्लाई करने के बाद मैं ब्रश की मदद से मेरा जो लिप का शेप है मैं वो अच्छे से दे दूँगी एंड मैं ज़्यादा ड्रामेटिक काइंड ऑफ नहीं करूँगी क्योंकि ये टीनेजर मेकअप है सो so मैं बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही क्यूट सा एक रैन मतलब बहुत ही जितना नेचुरल हो जा हो सके वो रख रही हूँ मैं फिर से थोड़ा सा अप्लाई करके इसका पिगमेंटेशन और ले रही हूँ देन मैं यहाँ पे मेब्लिन मास्टर क्रोम का हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है ये हाइलाइटर यूज़ करने के बाद ये बिल्कुल ट्रांसफ़र प्रूफ हो गया है मेकअप इतना अच्छा हुआ है बेस मेकअप उसके बाद मैं अपने आई मस्कारा अप्लाई करने के बाद मैं अपना जो लुक है वो ख़त्म करूँगी एंड आप देख सकते हो कि इतना ग्लोई ड्यूई सा मेकअप है एंड मैं अच्छे से मस्कारा से कोट कर लूँगी अपने लैश को एंड दिस इज़ फ्रॉम लॉरियल लैश पेराडाइज वॉल्यूम मस्कारा एंड यू गो माय फाइनल लुक अब देख सकते हो कि कितने अच्छे से ये मेकअप लुक टर्न आउट हुआ है वेल ये मेकअप लुक मैं जब कर रही थी तब मुझे लग रहा था कि मैं गलत एक्सपेरिमेंट कर चुकी हूँ गलत कलर कॉम्बिनेशन दे चुकी हूँ बट येस आफ्टर सब मतलब सभी प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद लाइक मस्कारा लिपस्टिक यूज़ करने के बाद पूरा गेम चेंज हो गया है सो आई जस्ट लव दिस मेकअप लुक बहुत ही एलिगेंट एंड डिफरेंट काइंड ऑफ मेकअप है सो so यस yes, आप लोग डेफिनेटली ट्राई करो मतलब अमेजिंग एक लुक है आप देख सकते हो एंड यस yes, मैं एक चीज़ नोटिस की कि इस आई uh, के साथ में सिर्फ ऐसे न्यूड पिंकिश काइंड ऑफ सिर्फ लिपस्टिक पहन सकती हूँ अदरवाइज और कलर का लिपस्टिक बिल्कुल भी नहीं जाएगा इस मेकअप के साथ सो येस गाइज दिस इज ऑल अबाउट टू डेज मेकअप वीडियो एंड येस आई होप आप लोगों को अच्छा लगा है मेरा ये मेकअप लुक सो यू डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे टिल देन